और झारखंड हाई कोर्ट में केंद्र की तरफ से घुसपैठ को लेकर हलफनामा दिए जाने के बाद से इस मामले पर सियासत तेज हो गई है और दोनों ही खेमों से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए नीरज है हमारे साथ। नीरज, लगातार जब से ये केंद्र की तरफ से ये हलफनामा आया है कि आदिवासियों की संख्या 45% से घटकर 28% हो गई है, एक सियासी बवाल सा शुरू हो गया है, क्या कुछ कहा जा रहा है जेएमएम की तरफ से, क्या कुछ मायने हैं इसके? देखिए, कल आपने सुना होगा जो नेता प्रतिपक्ष है अमर कुमार बावरी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार की जो गृह मंत्रालय है उसकी ओर से दाखिल हलफनामे का हवाला देते हुए आंकड़ा बताया था और ये कहा था कि किस तरह से जो संताल परगना की डेमोग्राफी है वो बदली है, जनसंख्या में बदलाव आया है, कैसे दूसरे समुदाय के लोगों की जनसंख्या जो है वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ बढ़ी है और आदिवासियों की संख्या काफ़ी तेज़ी से गिरी है और कहीं ना कहीं राज्य सरकार को पूरे मामले में घेरने की कोशिश की जा रही थी, सत्ताधारी दलों को घेरने की कोशिश की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि उनके सह में इस तरह के कार्य जो है संताल परगना में किया जा रहा है, जो 6 जिलों हैं वहाँ पर लोगों को यानी कि बांग्लादेशी घुसपैठ को बसाया जा रहा है ताकि वोट बैंक की राजनीति की जा सके। इस पर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने पलटवार किया है और कहा है कि पूरे हिंदुस्तान में डेमोग्राफी बदली है 1951 से लेकर 2011 तक और जो करोड़ों की आबादी पहले हुआ करती थी अभी की अगर बात करें तो पूरे देश की आबादी जो है 140 करोड़ हो चुकी है, ऐसे में ये कहना कि सिर्फ झारखंड में डेमोग्राफी बदली है ये गलत है और कोई भी घुसपैठिया नहीं है, जितने भी लोग हैं सब यहीं के हैं, संताल परगना के हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो लोग हैं आसपास के वो बांग्ला बोलते हैं, लेकिन क्योंकि संताल परगना बांग्ला बहुलवासी क्षेत्र है और उस समय से ही लोग जो थे बांग्ला बोलते थे, ऐसे में भाषा के आधार पर भूखंड का फैसला नहीं हो सकता, भूखंड अलग नहीं हो सकता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो भाजपा है क्योंकि चुनाव नज़दीक है, चुनाव के नज़दीक रहने की वजह से जो है कम्युनल डेमोग्राफी की बात कहकर भाजपा कहीं ना कहीं जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, चुनाव से पहले इस तरह का मुद्दा तैयार किया जा रहा है, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इस तरह के मुद्दों को जो है जोर शोर से उठाया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया हाईकोर्ट से कि हाईकोर्ट इन मुद्दों को ध्यान में रखे, ये भी संज्ञान में ले कि राजनीतिक दफ्तरों में इस तरह की बातें ना की जाए, राजनीतिक दफ्तरों के लोग इस तरह के फैसले ना ले कि राज्य में डेमोग्राफी बदला है या फिर नहीं बदला है, क्योंकि जब कोर्ट में मामला होता है तो कोर्ट को निर्णय लेना रहता है कि कोर्ट को क्या कुछ करना है, क्या कुछ आधार है, ऐसे में राजनीतिक दफ्तरों में बैठे लोगों को इस तरह की बातें कहना, इस तरह के बयान देना ये गलत है। तो कहीं ना कहीं आज पूरी तरह से पलटवार किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने और जो ईसाइयों को लेकर बात उठ रही थी जिसमें हलफनामे में कहा गया है तो उसको लेकर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो ईसाई हैं क्या वो पैराशूट से आए हैं जो संताल परगना है, ये भी बताना चाहिए, लेकिन ये कह सकते हैं जो राजनीतिक जो इधर बयानबाजी जो है चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो बीजेपी हो दोनों ओर से लगातार इस मुद्दे में जो है जारी है और हो सकता है कि आगामी चुनाव तक जो है ये इसी तरह की बयानबाजी हमें देखने को मिले। हालांकि डिपेंड करेगा क्या नेक्स्ट बार जब झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होती है तो क्या कुछ जो है इसके जवाब आते हैं, हलफनामे को लेकर क्या कुछ राज्य सरकार की ओर से जवाब दिया आता है, ये बड़ा जो है पहलू होगा। और चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मुद्दा अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने इस मामले को उठाया है, जिस तरह से केंद्र की तरफ से हलफनामा दिया गया है कि आदिवासी समुदाय की आबादी 45% से घटकर 28% संथाल में हो गई है, वो कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है और इसलिए जेएमएम ने यह मांग की है कि हाई कोर्ट में जो कुछ भी हो रहा है उस पर राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता बयान ना दें जब तक इस पर स्पष्ट कुछ निर्देश नहीं आता है। तो देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस पर क्या कुछ होता है, जेएमएम की तरफ से कौन से आंकड़े दिए जाते हैं राज्य सरकार की तरफ से और क्या सामने आता है, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।